रुख करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का उन्होंने जवाब दिया। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का जवाब शायरी के साथ शुरू किया। उन्होंने कहा, ना मांझी ना रहबर, ना हक में हवाएं हैं, किश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। इसके बाद पीएम ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि कांग्रेस और उसके साथी दलों के लिए है। मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें पीएम की कुर्सी तक पहुंचने की जल्दबाजी है। वहीं मोदी ने राहुल गांधी के राफेल पर भी जवाब दिया। पीएम ने कहा कि बार बार झूठ बोला जा रहा है जिसे देश माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यह बहुत बचकानी हरकत है क्योंकि सदन में दिए गए बयान की वजह से दोनों देशों को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। तो आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी का विपक्ष को करारा जवाब। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई उन्होंने और जो जो सवाल उनसे किए गए थे राहुल गांधी ने अपने भाषण में किए थे, हर चीज का उन्होंने पलटवार किया। एक तरफ राहुल गांधी का वार था, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से पलटवार किया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा थी, जो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दें 2019 लोकसभा चुनाव से पहले और हम सब कभी तो लगता है कि ये सारे जो भाषण में सुन रहा था, जो व्यवहार देख रहा था, मैं नहीं मानता हूं कि कोई अज्ञानवश हुआ है। और न ही ये झूठे आत्मविश्वास के कारण हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि अहंकार इस प्रकार की प्रवृत्ति करने के लिए खींच के ले जा रहा है। मोदी हटाओ और आप सुबह, तो मैं तो हैरान हूं आज सुबह भी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। एनडीए सरकार द्वारा खरीफ के समय में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की लागत 150% करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। ये रोका था किसने? अरे आपके पास तो ये रिपोर्ट 2006 से पड़ी थी और आप 2014 तक सरकार में थे, 8 साल तक आपको रिपोर्ट याद नहीं आई। हमने निर्णय किया था हम किसानों को एमएसपी 1.5 गुना करके देंगे, हमने किया। और जब यूपीए सरकार 2007 में राष्ट्रीय कृषि नीति का ऐलान किया तो उसमें 50% वाली बात को खा गए, उसको गायब कर दिया गया। इसके आगे भी 7 साल कांग्रेस की सरकार रही लेकिन एमएसपी सिर्फ बातें करते रहे और जनता को, किसानों को झूठा विश्वास देते रहे। यहां पर राफेल विवाद को छेड़ा गया, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सत्य को इस प्रकार से कुचला जा सकता है, सत्य को इस प्रकार से रौंदा जाता है और बार बार चीख चीख करके देश को गुमराह करने का काम। और इन्हीं विषयों पर, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये कितना दुखद है कि सदन में लगाए गए आरोप पर दोनों देश को बयान जारी करना पड़ा। मैं समझता हूं और दोनों देश को खंडन करना पड़े,
क्या ऐसी बचकाना हरकत हम करते रहेंगे? कोई जिम्मेवारी है कि नहीं? जो लोग इतने साल सत्ता में रहे बिना हाथ पैर के, बिना कोई सबूत, बस चिल्लता चिल्लते रहो, चिल्लाते रहो। देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह समझौता दो देशों के बीच हुआ है, ये कोई व्यापारी पार्टियों के साथ नहीं हुआ है, दो जिम्मेवार सरकारों के बीच में हुआ है और पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ है।